हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है? हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पेडिग्री एनालिसिस में कि ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट क्या होते हैं डिजीज और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेक्स लिंक्ड का मतलब है कि ये डिफेक्ट जो जीन है, डिफेक्टेड जीन, वो ऑटोसोम पे नहीं प्रेजेंट होके सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अब फीमेल में आप जानते हो सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XX, जबकि मेल में सेक्स क्रोमोसोम है XY। अब ये रिसेसिव इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो रिसेसिव का मतलब है कि स्मॉल टी जब आएगा तभी प्लांट शॉर्ट होगा, एक भी कैपिटल टी आ गया तो प्लांट टॉल होगा। मीन्स रिसेसिव का मतलब है कि दोनों एक्स पे जब ये जीन, डिफेक्टेड जीन होगा तभी इस फीमेल में डिजीज होगी, पर क्योंकि मेल में दूसरा एक्स है ही नहीं, वहां तो वाई है एक्स की जगह पर, तो अगर वो अकेला एक्स भी डिफेक्टेड है जीन वहां पर उस क्रोमोसोम पे, तो मेल में डिजीज होगी। अब हम देखते हैं, हम ये डायग्राम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पेडिग्री एनालिसिस में। अब हम देखते हैं व्हाट इज हीमोफीलिया, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में क्या होता है। जब भी कोई कट लगा तो वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, प्लेटलेट्स दौड़ने लगी उस कट एरिया की तरफ और वहां पर जाकर क्लॉट फॉर्म कर दिया, प्लग फॉर्म कर दिया, और जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। हम लोगों में नॉर्मली ऐसा होता रहता है, हम ध्यान भी नहीं देते छोटे मोटे कट की तरफ। What happens in case of hemophilic person? तो healthy person में तो जो कट लगा था वो क्लॉट हो गई वहाँ पर। Hemophilic person में क्या होता है कि सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड हो जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व प्रोटीन कैस्केड का पार्ट है। समझ में आई बात? वो प्रोटीन, वो सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड हो रही है इस जीन डिफेक्ट की वजह से, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन कैस्केड का पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिससे कि नॉनस्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। एक सिंपल से कट की वजह से भी नॉनस्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी पर्सन में, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। अब हीमोफीलिया में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो सारे बच्चों को बिल्कुल रट लेना है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड है क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, रिसेसिव है क्योंकि आप देख सकते हो कि बच्चों में है डिजीज पर उसके पेरेंट्स में से किसी में डिजीज दिखाई नहीं दे रही है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव है, ये डिजीज तभी अपियर होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में होगी फीमेल में। तो यहाँ पर डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मेल में तो डिजीज नहीं दिख रही है, मींस नॉर्मल दिखने वाले दो लोगों की शादी हुई, मेल में डिजीज अगर होती एक्स क्रोमोसोम पे तो विजिबल भी हो जाती, फीमेल में विजिबल नहीं है पर वो कैरियर हो सकती है अगर उसका एक एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, तो डिजीज इसमें नहीं होगी, शी विल बी अनअफेक्टेड बट कैरियर ऑफ द डिजीज। मीन्स ये ट्रांसमिट कर सकती है ये डिफेक्टेड जीन अपनी प्रोजेनी में, ये अपने बेटे को ये नॉर्मल वाला एक्स जीन भी दे, एक्स क्रोमोसोम दे सकती है, ठीक, ये अपने बच्चों में नॉर्मल एक्स दे सकती है, सन हो या डॉटर, ये डिफेक्टेड ये जीन भी दे सकती है। अगर ये अपनी डॉटर को ये डिफेक्टेड जीन देगी पर फादर में नहीं था वो जीन, तो ये डॉटर सिर्फ कैरियर होगी, अनअफेक्टेड कैरियर होगी, मींस दिस डॉटर कैन ऑल्सो ट्रांसमिट दिस डिजीज टू हर प्रोजेनी। सन में अगर एक अकेला एक्स डिफेक्टेड भी दे दिया तो इस सन को हीमोफीलिया होगा। ये बात समझ में आई? यहां क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है, डिफेक्टेड जीन मदर से सन में गया है, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न है, ये एक्स लिंक डिजीज है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है ये हीमोफीलिया का जीन। यहाँ पर दो तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए एंड बी, और एक्स क्रोमोसोम में यहाँ पर ये जीन लोकेटेड है। तो अगर ये डिफेक्टेड जीन वाला गया, सेम डायग्राम है सिर्फ क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाया है,
तो अगर ये डिफेक्टेड जीन वाला क्रोमोसोम गया है सन में तो सन अफेक्टेड हो गया, डॉटर में गया है तो डॉटर है कैरियर। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, व्हाई? पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज कभी फीमेल में डिजीज होनी है इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मदर शुड बी एटलीस्ट कैरियर। डॉटर में डिजीज का मतलब है डॉटर को दोनों एक्स क्रोमोसोम जो मिलेंगे वो डिफेक्टेड होंगे, इन दोनों पे डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगा। दोनों कहाँ से मिलेंगे? एक एक्स मिलेगा फादर से, एक एक्स मिलेगा मदर से। तो मदर अगर कैरियर होगी तो डिजीज का जीन मिल सकता है उसको, पर फादर से जीन ये आए इसके लिए ज़रूरी है कि फादर शुड बी डिजीज्ड, फादर शुड बी अफेक्टेड। अब आप देख चुके हो कि मदर तो कैरियर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फादर हीमोफिलिक हो सकता है? ये एक ऐसी कंडीशन है, सिंपल कट लगना। क्या पॉसिबल है कभी आपको लाइफ में कोई कट नहीं लगा हो? छोटे मोटे कट तो सभी को लगते हैं। तो जो सन था अफेक्टेड, क्या वो एडल्टहुड तक पहुंच पाएगा? अगर छोटा सा भी कट लगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाई, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रही, तो पर्सन कैन डाई। इसलिए यूजुअली ये जो मेल होते हैं जिनमें हीमोफीलिया डिजीज है वो अनवायबल होते हैं इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में एडल्टहुड तक नहीं पहुँच पाते यूजुअली। तो मेल यानी कि वो फादर बनने तक की कंडीशन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए मेल एडल्टहुड तक नहीं पहुंच रहा है, तो मेल जो फादर हीमोफिलिक नहीं है होगा तो डॉटर हीमोफिलिक नहीं हो सकती। इसीलिए डॉटर का हीमोफिलिक होना बहुत रेयर है। ये डिजीज कॉमनली सन्स में देखने को मिलती है पर डॉटर्स में रेयर केस होता है, डॉटर्स आर यूजुअली कैरियर ऑफ द डिजीज। अब जब भी हीमोफीलिया की बात आती है इसको द रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रॉयल फैमिली से जुड़ी है। 1800 के टाइम पे जब यूनाइटेड किंगडम में क्वीन विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया ये रॉयल फैमिली से थी, क्वीन विक्टोरिया में म्यूटेशन हो गया होगा, क्यों ये क्वीन विक्टोरिया में ये डिफेक्टेड जीन हीमोफीलिया का प्रेजेंट था, जो जिसकी वजह से इनका सन भी हीमोफिलिक था और इनकी डॉटर्स कैरियर थी। कब पता चला? जब इनकी डॉटर्स की शादियां ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, रशिया की रॉयल फैमिलीज में हो गई और उनके सन भी अफेक्टेड हो गए। मींस इन्होंने ये डिफेक्टेड जीन कई रॉयल फैमिलीज में स्प्रेड कर दिया, इसीलिए क्वीन विक्टोरिया का नाम हमेशा हीमोफीलिया डिजीज के साथ में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया। इन नेक्स्ट वीडियो वील स्टडी अनदर सेक्स लिंक्ड डिजीज, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।